दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय मोती महल डीलक्स 100 ईयर्स ऑफ ब्रिलियंस एंड आशी द फैशन स्टूडियो। मंडी स्थित हिमाचल प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के तत्वाधान में हिंदी पर परिचर्चा और युवा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ एसपीयू के उप कुलपति देवदत्त शर्मा ने किया। इस मौके पर पहले चरण में परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी के विभिन्न साहित्यकारों के द्वारा हिंदी भाषा और इसके महत्व के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया। वहीं दूसरे चरण में मंडी के साथ लगते विभिन्न शिक्षण संस्थानों के बच्चों के द्वारा रचित नवनिर्मित रचनाओं को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के उप कुलपति प्रोफेसर देवदत्त शर्मा ने बताया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसके प्रयोग के साथ साथ इसके प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी भी अपने विभिन्न प्रकार के पत्राचार के लिए हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में भी सरकार ने हिंदी भाषा के महत्व को समझते हुए विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का पाठ्यक्रम हिंदी में करने का निर्णय लिया है, जिससे आने वाले समय में बच्चों को अपनी मातृभूमि में ही सभी प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करने का मौका मिलेगा। सर्वप्रथम तो आज के खास दिन जो हमारा विश्व हिंदी दिवस है, मैं सभी दर्शकों को श्रोताओं को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज सरदार पटेल विश्वविद्यालय में भी सर्वप्रथम बार इस दिन कुछ कार्यक्रम, हमारा जो विभाग है कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, उनके साथ संयुक्त तत्वावधान में हम आज का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसको कि हमने दो सत्रों में विभाजित किया है। पहले सत्र में जो है खास तौर पे कुछ जो मंडी और इसके आसपास के साहित्यकार है उन लोगों को खास तौर पे आमंत्रित किया है। वक्ता के रूप में आज हमारे मध्य डॉक्टर गंगाराम राजी, डॉक्टर दिनेश धर्मपाल जी और श्रीमती संतोष गर्ग जी, ये तीन लोग जो है वक्ता के रूप में रहने वाले हैं हमारे अतिरिक्त। और फिर दूसरा सत्र जो कि अपराह्न 2 बजे होगा, उसमें हमारे जो मंडी जिला के विभिन्न विद्यालय महाविद्यालय यहाँ पर जो खास तौर पे मंडी शहर के नज़दीक के हैं, उनके विद्यार्थियों को खास तौर पे जो उनकी स्वरचित नवोदित कवि है उनको स्वरचित कविताओं के पाठन के लिए हमने आमंत्रित किया हुआ है। और खास तौर पे इस दिन की सार्थकता इसलिए भी आवश्यक है कि आज विश्वभर में हालांकि हिंदी भाषा तीसरी सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन धीरे धीरे करके जो वर्तमान पीढ़ी है इससे विमुख होती जा रही है और हम अपनी ही भाषा को जो है बहुत ही हीन भाव से देखते हैं। इसलिए ये आवश्यक है और ख़ास तौर पे राष्ट्रीय स्तर से भी हमेशा, चाहे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है चाहे हमारा शिक्षा मंत्रालय है, उनका भी एक बार साल में वो हमसे आग्रह आता है कि कितना पत्राचार हमारा इस हिंदी माध्यम से हुआ। और हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पर भी संभव हो, और अब तो खास तौर पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तो इवन विज्ञान और तकनीकी की भी जो हमारी पठन पाठन है उसको भी हिंदी विषय में हो, इसके लिए केंद्र सरकार जोर दे रही है। और आने वाले समय में कि सभी जो भाषा है वो एक बाध्य न बने और विद्यार्थी अपनी इच्छा से किसी भी भाषा का चयन कर सके, इसलिए आज के दिन का महत्व और भी अधिक हो जाता है। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।